हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कितना सुंदर सा ये कैप बनाया है और ये बहुत आसान तरीके से बन गया है। 7 से 8 मिनट में ये हमारा कैप बनके तैयार हो जाता है। तो इसे आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए या फिर बड़े बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। और इसे आप जो गर्म कैप होती है उनके नीचे पहना सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों की जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो उसके आप इस कैप को बनाकर गरम कैप के नीचे पहना सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही पहना सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर लगता है और इससे हमारे बच्चों को ठंड नहीं लगती है। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह के कपड़े में से, ये कॉटन का कपड़ा है, इसमें से आज हम कैप बनाएंगे, जिसे आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो उसके लिए आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली है 7 इंच, यानी कि जो इसकी चौड़ाई ली है वो 7 इंच है। और मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। तो मैंने इसे इस तरह से रख लिया है। तो इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि इसकी लंबाई काफी बड़ी है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 बार फोल्ड करके रखा है। तो अब मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 20 इंच, तो इसका मतलब हो गया 40 इंच। जो भी कपड़े की ये लंबाई है वो 40 इंच है। तो अब हम पहले इसकी साइडों को फिनिश कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम फोल्ड करते हुए इसमें, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे हम एक जैसा कर लेंगे, जिससे कि जो साइड में ये धागे निकल रहे हैं वो ना निकलें। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने एक साइड में लगा के रखी है, ये देख सकते हैं। ऐसे ही हम इस साइड में भी लगा लेते हैं और इन दोनों साइड में भी लगा लेंगे, इधर और इधर। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा ली है, इस साइड से भी और इस साइड से, और इस साइड से भी मैंने इसे फिनिश कर लिया है। तो ये अच्छे से फिनिश हो गया है चारों साइड से। तो अब हम एक साइड लेंगे और इसमें हमें 15 इंची तक फ्रिल लगानी है, यानी कि जब हम पूरे कपड़े में फ्रिल लगाएंगे तो कपड़ा हमारा 15 इंची बचना चाहिए, यानी कि फ्रिल लग के हमारा कपड़ा 15 इंची होना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से प्लेट्स लगा लेंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे 1/2 इंची का। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें प्लेट लगाएंगे, इतनी दूरी पर हमें इसमें प्लेट लगानी है। तो इस तरह से, तो फ्रिल हमें इतनी लगानी है कि ये पूरे कपड़े में हम फ्रिल लगा लेंगे तो कपड़ा हमारा 15 इंची तक होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इस कपड़े में फ्रिल लगा ली है, और यहाँ पर मैंने एक सिलाई ऊपर लगाई हुई है और एक थोड़ी हटके लगाई हुई है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाई है, ये देख सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है, यानी कि जितने फ्रिल लग के हमारी इसकी जो लंबाई है वो है अब 15 इंच, 15 या 14 आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये देखिए 14 इंच। तो इस साइड से हम इसमें 7 इंच तक इसमें फ्रिल लगाएंगे। यहाँ पर हमने 14 रखा है तो ये फ्रंट का हो गया, यानी कि जो बच्चे का मुंह है वो इस साइड में आएगा इस तरह से। तो अब हमें ये बैक के लिए करना है। तो यहाँ पर हम जब हम फ्रिल लगाएंगे तो इसमें कपड़ा हमारा 7 इंच तक बचना चाहिए, यानी कि इस तरफ से 15 है तो इस साइड से हमें 7 चाहिए।
15 या 14 कोई भी हो, तो इस तरफ से हमें उसका हाफ चाहिए, इधर डबल और इधर हाफ। 15 का हम यहाँ पर 7.5 करेंगे या 14 है तो हम यहाँ पर 7 करेंगे। तो इसमें भी हम फ्रिल लगा लेते हैं पीछे की साइड में, जिस तरह से हमने इसमें फ्रिल लगाई हुई है, ये देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी सी इसमें हमने प्लेट लगाई है। तो इस साइड में भी मैंने इसमें फ्रिल लगा ली है। तो यहाँ पर है हमारा 7 इंच। तो अब हम इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, यानी कि 1 इंची पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम सिल लेते हैं, सिर्फ 1 इंची तक हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर, तो इसे भी हम सिल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 इंची तक इसमें सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसके लिए सर्कल पीस कट कर लेंगे इसी के नाप से। तो मैंने यहाँ पर 4 सर्कल पीस कट कर लिए हैं। अब हम 2 को लेंगे और इसके चारों ओर हम सिलाई लगा लेंगे और इतनी जगह हम इसमें खाली छोड़ देंगे, जिससे कि हम इसे सीधा कर सकें। इसी तरह से हम ये सर्कल पीस लेंगे, इसमें भी सिलाई लगा लेंगे और इतनी जगह हम खाली छोड़ देंगे जिससे हम इसे भी सीधा कर सकें। तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल पीस दोनों तैयार हैं। तो अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा वाला इस साइड में रखेंगे और चारों ओर से सिलाई लगा लें। आप चाहें तो दोनों को एक साथ रखकर पिन अप करके फिर सिलाई लगा सकते हैं, या फिर एक एक रखकर भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इन दोनों को हम सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड से ये सर्कल पीस लगा दिए हैं और ये हमारा केप बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें स्ट्रिप लगाएंगे जिससे हम बच्चों को इसे बांध सकें। तो जितनी भी लंबी आपको लगानी है उतनी लंबी आप इसमें से पट्टियां कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही पट्टी कट कर ली है, उसमें से ही मैं 2 कर दूँगी। तो मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई भी बता देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.25 इंच और ये मैंने डबल करके फोल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें से मैं 2 बनाऊंगी। तो यहाँ पर ली है मैंने 14 इंच। तो 14 इंच की एक स्ट्रिप बनाई है जिसे हम अच्छे से बांध सकें। तो अब हम इस पट्टी को इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे और एक साइड से इस तरह से करेंगे, फिर हम एक फोल्ड और लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टी बनके तैयार हो जाएगी जिससे हम बांधने वाली स्ट्रिप बनाएंगे। तो ऐसे ही हम इसमें 4 फोल्ड लगाएंगे। तो ये देखिए, एक फोल्ड हम इस साइड से लगाएंगे, तो एक फोल्ड हम इस साइड से लगाएंगे, फिर एक फोल्ड हम और लगा देंगे। तो ये हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेते हैं, तो ये हमारी बांधने वाली स्ट्रिप बन जाएगी। तो इसे मैंने सिल लिया है। तो अब हम इसे सेंटर पॉइंट बनाते हुए इसमें से 2 बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो जो हमने 1-1 इंची का गैप छोड़ते हुए जहाँ पर हमने फ्रिल लगाई थी वहाँ पर हम अपनी स्ट्रिप को इस तरह से सिल देंगे। तो ये हमारा इतना बांधने के लिए आ जाएगा। तो इसी तरह से हम ये दूसरी साइड में भी सिल देंगे इस तरह से। तो इसे हम सिल लेते हैं दोनों साइड से। तो ये देखिए, दोनों साइड से मैंने स्ट्रिप लगा ली है और एक जैसी लगाई है। तो ये हमारा कैप बनके तैयार हो गया है। इसे आप 1 से 3 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। और आपने देखा होगा इसे हमने कितने आसान तरीके से बना लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।